खरगोन जिले में हुए दर्दनाक बस हादसे के बाद अब प्रदेश भर में यातायात पुलिस सहित आरटीओ विभाग एक्शन मूड में नजर आ रहा है। खरगोन जिले के बड़वाहा में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया और ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई की। खरगोन जिले में एक यात्री बस पुल की रेलिंग तोड़कर नदी में गिर गई थी। इस भीषण हादसे में बस में सवार 24 यात्रियों की मौत हो गई जबकि कई घायल हो गए थे। दर्दनाक हादसे के बाद अब खरगोन पुलिस ओवरलोड वाहनों के खिलाफ एक्शन मोड में आ गई है। बुधवार को पुलिस ने इंदौर रोड स्थित काटकोट फाटे स्थित मुख्य चौराहे पर यात्री बसों की चेकिंग अभियान चलाया और अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई की। पुलिस के एएसआई लक्ष्मी नारायण बड़ोदिया ने बताया कि उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई, जिसमें 7 बसों के साथ ही 2 आयशर एवं लोडिंग वाहन पर कार्रवाई की गई। कल जो खरगोन में दुर्घटना हुई है उस संबंध में वरिष्ठ अधिकारी आदेश के अनुसार जो बसों में ओवरलोडिंग है उसके खिलाफ कार्रवाई सतत की जा रही है। 7 बस और 2 आयशर और 1 लोडिंग वाहन पर कार्रवाई की गई है। बड़वाहा से वाजिद खान की रिपोर्ट।